अगर आप ट्रेवल करोगे ना तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे रास्ते में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सम्मू और आपका हमारे चैनल सम्मू के ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 6 और हम जाने वाले हैं धन्नीपुर। धन्नीपुर वही जगह है जो भारत सरकार ने मुस्लिमों को मस्जिद बनने के लिए जगह दिया है। और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अयोध्या घूमने का खर्चा कितना आया और अगर आपके पास बजट कम है तो आप अयोध्या कैसे आ सकते हैं और वो भी बहुत ही कम पैसों में। हम अयोध्या से फैजाबाद जा रहे थे तो हमको रेलवे स्टेशन सामने नजर आ गया। ये रेलवे स्टेशन भी एक मंदिर की तरह ही है। धन्नीपुर की मस्जिद के लिए आपको सुहावल जाना पड़ेगा जो कि अयोध्या से 30 किलोमीटर है। आप किसी भी ऑटो वाले से बोल देंगे तो आपको 30 से 40 रुपए में आराम से छोड़ देगा। अगर आपने मेरी अयोध्या की पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। बहुत ही कमाल का वीडियो बनाया भाई। मस्जिद को बनने के लिए भारत सरकार ने 5 एकड़ की ज़मीन दी है। जैसे ही आप ऑटो या बस से उतरेंगे तो आपको नज़ारे कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। ये मस्जिद हाईवे से 100 मीटर की दूरी पर ही है जिसकी वजह से आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तो अभी आप जितने भी ये पीछे पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये घर वगैरह देख रहे हैं, रोड वगैरह है और ये देखिए यहाँ पर इसका लोगो भी बना हुआ है, ये सारे ज़मीन मस्जिद के अंदर ही आते हैं। गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अयोध्या पहली बार आया था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डर लगता था क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा सा ख़राब रहता है। तो मैंने लोगों को बताया कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, यहाँ पर सारे धर्म के लोग आते हैं। और उन्होंने मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया। कई सारे लोगों ने तो मेरे वीडियो में भी आया है जो आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। हाँ तो भाई, हम मस्जिद आए थे और हमको ये भाई मिल गए जो कि हमको लिफ्ट देने वाले हैं। कहाँ तक भाई? जैनी मंदिर पर ही हमको छोड़ देंगे। अगर आप ट्रेवल करोगे ना तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे रास्ते में। गाइस, मैं धन्नीपुर आया था और मुझे सिर्फ मस्जिद का ही पता मालूम था, लेकिन यहाँ पर आया तो ये भाई मिल गए और हमको बताया कि यहाँ पर एक जैनी मंदिर है जो कि काफ़ी बड़ा है, तो आप उसका भी वीडियो ले लीजिए। तो मैंने कहा छोड़ ठीक है, तो वो अलग जा रहे थे लेकिन मुझे बोला कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपना काम हो गया, वरना 200-300 मीटर चलना पड़ता पैदल, हालत खराब हो जाती यार आज भी। गाइस, मैं वीडियो बनाने के लिए इतना दूर दूर चला आता हूँ बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन यार आप सब्सक्राइब नहीं करते यार चैनल को, बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो, क्या जा रहा है यार तुम्हारा? मेरा तो पैसा खर्च होता है, इतना ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन आपका क्या जा रहा है यार? चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार। तो ये है मेरा होटल जिसमें मैं रुका हूँ, तो इसका चार्ज है लगभग 100 रुपया, 100 रुपये से आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। और इसका एड्रेस है, आप जानकी महल आइए, वहाँ पर आपको 100 मीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद यही होटल सामने को आपको दी जाएगा। और एक टिप मैं आपको और देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे धर्मशालाएँ हैं जो कि आपको फ्री में देते हैं, लेकिन आपको क्या करना, वो जल्दी आपको देते नहीं, बहुत भाव खाएंगे, तो आपको उनको चुपके से कान में कहना है कि आप दक्षिणा ले लीजिए और हमको कोई रूम दे दीजिए, तो आपको जल्दी काम हो जाएगा, वरना यहाँ पर मिले वलेगा नहीं, आपको ऐसे ही भटकते रह जाइएगा। मैंने तो 8 बजे पाया था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ डायरेक्ट गोरखपुर, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए।